शहर में अनवरगंज, बेकनगंज, चमनगंज, बाबूपुरवा, मच्छरिया, कर्नलगंज और घाटमपुर जाने से बचे। इन इलाकों में कोरोना संक्रमित तबलीगी जमाती भी गए थे। इसका खुलासा होने के बाद इन इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया। शनिवार को रेड जोन घोषित इलाकों की ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई गई। डीआईजी अनंत देव ने बताया कि इलाकों को सील करने के साथ ही ड्रोन से निगरानी कराई जा रही है। एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल, एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार और एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने खुद अपने अपने सर्कल के इलाकों में जाकर जायजा लिया। इस दौरान सीओ और इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। अफसरों का मानना है कि इन इलाकों में संक्रमण फैल सकता है, बचाव के लिए इलाके सील करने के साथ सैनिटाइजेशन और अन्य उपाय किए जा रहे हैं। डीआईजी ने कहा कि अलर्ट घोषित कर दिया गया है, इसके बाद भी अगर कोई बाहर निकले तो 5-5 लाख रुपए के मुचलके से पाबंद किया जाए। सभी क्षेत्र के एसपी और सीओ को निगरानी का जिम्मा दिया गया है। इसलिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम गठित की गई है। आप लोग आपके परिवार में या आपके आसपास पड़ोस में जो भी अस्वस्थ है या जो बीमार है, कल टीम आएगी आपके क्षेत्र में, चमनगंज क्षेत्र में कल स्वास्थ्य विभाग की टीम जो गठित हुई है वो आएगी। आप लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और उनकी अपनी जांच कराएंगे। चमनगंज क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। हलीम प्राइमरी मस्जिद में जो जमात हुई थी उसमें 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हलीम प्राइमरी मस्जिद में जो जमात हुई थी उसमें 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप लोग अपने सुरक्षित करें, अपने अपने घरों में रहें। चमनगंज क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। रेड जोन